विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस रात के समय में आपके चरणों में आपने हमें ले आया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हमने आपकी स्तुति की, आराधना किया प्रभु। आपके चरणों में आए हैं वचन को सीखने के लिए प्रभु। हम वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हम आपसे विनती करते हैं ये वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए प्रभु। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं, उन सारे बातों को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु परमेश्वर। बैठे हुए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आप हर एक दिलों को, मनों को तैयार करने के लिए मैं विनती करता हूँ। आप बोलने वाले हैं पिता, हम सुनने वाले हैं प्रभु। आमीन। चलिए आज का वचन देखते हैं और तैयारी करते हैं कि ये अंतिम समय के लिए कलीसिया को और एक विश्वासी को किस बात पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि आज जो है भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कलीसिया जो है एक विश्वासी का जीवन कैसा होना है उसके ऊपर कम फोकस करते हुए वो कलीसिया कैसी होनी चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। लोगों को यह समझना मुश्किल हो जा रहा है आज के समय में कि एक एक विश्वासी जब प्रभु में बढ़ता है वो विश्वासी की मंडली कलीसिया कही जाती है। लेकिन आज वो विश्वासी के ऊपर ध्यान कम, वो मंडली को सजाना और मंडली के ऊपर जो कार्यक्रम करना उस पर जो है ज्यादातर फोकस किया जाता है। और यही अंतिम दिनों में होगा जब शैतान जो है आपके ऊपर से कलीसिया का फोकस हटा देगा और बाकी कामों में लगा देगा। तो एक वचन को पढ़ेंगे और ये वचन हर कोई जानता है, ये वचन के गहराई में हम थोड़ा जाने वाले हैं। वचन है मत्तै की किताब 28वां अध्याय 19वां वचन। ये वचन को हम पढ़ेंगे, मत्तै की किताब 28:19। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। बस हो गया ब्रदर, अब यहां पर रुकेंगे। ये वचन ऐसा कोई है यहां पर किसी ने नहीं सुना है? हर किसी ने सुना है बराबर। हर कोई कलीसिया में, हर कोई मीटिंग में, हर कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, वहां पर ये वचन को बार बार कहा जाता है कि तुम जाओ सभी जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। आज यही शब्द के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं आज और कल में। और जवानों का सभा जो कल होगा उसमें भी जो है हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पास्टर साहब ने उस व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए कहा कि आप ये कैरेक्टर बाइबल में जो है उनके बारे में बात कीजिए। जब मैं संदेश को निकाल रहा था, 3 अलग अलग संदेश हैं आज के लिए, कल जवानों के लिए, कल शाम के लिए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कैसे ना कैसे तीनों संदेश को जो है एक साथ जोड़ दिया जब मैं तैयारी कर रहा था। तो यहां पर आज हम देखने वाले हैं चेला बनाओ। अब ये जो चेला बनाने की प्रक्रिया है इसके ऊपर से जो है भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में क्या कर रहा है, कलीसिया का जो है फोकस हटते जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आज कलीसिया जो है ज्यादातर इसी चीज को सक्सेस मानती है कि इस सभा में, इस झुंड में या फिर इस प्रेयर मीटिंग में कितने लोग गए थे। आज प्रार्थना सभा का और कलीसिया का सक्सेस किस पे माना जाता है? वो कलीसिया में हम जाते हैं। क्यों जाएंगे वो कलीसिया में? क्योंकि वहां पर 3,000 लोग जाते हैं। अरे ये कलीसिया में शायद से पवित्र आत्मा नहीं है, क्यों? ये लोग 10-12 लोग ही जाते हैं। वो कलीसिया में जाएंगे, वहां पर मीटिंग हो रही है, वो पास्टर को बुलाया है, ये सेवक को बुलाया, हम वहां पर जाएंगे, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य बड़े रीति से काम करेगा। क्यों ऐसा? अरे तुमको पता है वो मीटिंग में 5-5 लाख, 6-6 लाख लोग जाते हैं। ये मीटिंग में क्या है, 200, 300, 400, 1000, 2000 इतना ही जाते हैं। तो कलीसिया जो है, मॉडर्न चर्च इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग, अपने भवन में फोकस कर रही है कि उस भवन में मैं कितने लोगों को भरूंगा। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। किस पे ध्यान दे रहे हैं? क्वांटिटी में ध्यान दे रहे हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं आपको 2 प्रकार के दुकानदार मिलेंगे, 1 किलो ₹10 वाला भी देगा और 1 किलो का सामान ₹50 में भी देगा। अब हमें पता करना है कि मुझे कौन सा वाला लेना है, 1 किलो ₹10 में मिल रहा है या फिर 1 किलो ₹50 में मिल रहा है। आप बोलेंगे कि ब्रदर सस्ता वाला तो खरीदेंगे, लेकिन सस्ता वाला जो खरीदते हैं क्या वाकई में वो क्वालिटी में आता है? नहीं आता है। हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट वाला जिंदगी जीते हैं।
हम भी बोलते ना, कभी सामान खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, घर वालों को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा सड़ा होगा काट लेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ हम खा लेंगे। ये एडजस्टमेंट वाली जो जिंदगी है हमारे लाइफ में, वो मसीहत के अंदर भी आ गई है, वो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी आ गई है। हम क्या कर रहे हैं, सस्ते में मिल रहा है, इसीलिए हमारे आत्मिकता को भी हम क्या कर रहे हैं, सस्ते में माप रहे हैं। आज बहुत सारी कलीसियाएं, भारत की हो या पूरे दुनिया की हो, वो क्या करते हैं, उनके कलीसिया में जो विश्वासी हैं, उनके लोग हैं, उनका आत्मिकता को सस्ते में मापा जाता है। इसीलिए भर भर के जमा करो, 5 लाख लोग, 20,000 लोग। आज एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन मैंने एक देखा, एक पता नहीं कहां का ये घटना है, लेकिन मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहां पर कहा कि हमारे कलीसिया में जो है, हर हफ्ता या फिर लगातार जो है, हम प्रभु भोज नहीं कर पा रहे। तो पूछा क्यों प्रभु भोज नहीं कर पा रहे, तो कहा कि नहीं एक्चुअली क्या है ना ब्रदर, वो कलीसिया में इतने सारे लोग आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन दान तो बराबर कलेक्ट कर लेते हैं, तभी तो बोलते नहीं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये जो गिनती को जोड़ने वाले लोग जो हैं, वो कभी भी क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे। आज क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर ज्यादा हैं और क्राइस्ट के फॉलोअर कम हैं। मसीहत एक धर्म बन गया है, कहने के लिए कहते हैं कि मसीहत धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इसको धर्म परिवर्तन मत बोलो, मन परिवर्तन बोल दो। तो ऐसे अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, वो किसी धर्म के फॉलोअर थे और बाद में उनको ये धर्म अच्छा लगा, इसके फॉलोअर बन गए। यीशु मसीह ने कभी भी यही नहीं, ये नहीं कहा तुम जाओ सभी जाति के लोगों को मेरा फॉलोअर बनाओ। क्या यीशु मसीह ने कहा जाओ सभी जाति के लोगों को मेरा फॉलोअर बनाओ? नहीं भी। यीशु मसीह ने क्या ये कहा कि जाओ सभी जाति के लोगों को मेरे भक्त बनाओ? ये कहा परमेश्वर ने? नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जाकर सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो आज ये दो प्रकार के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक विश्वास, सॉरी, ये जो क्रिश्चियनिटी एक धर्म है उसको फॉलो करने वाले लोग, और क्राइस्ट को यानी कि क्रिस्त को फॉलो करने वाले लोग। क्रिस्त को फॉलो करने वालों में क्या खूबियां होती है वो भी देखेंगे, और जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी खूबियों को भी देखेंगे। और जो एक धर्म को फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनको फॉलोअर कहा जाता है, और जो यीशु मसीह के सिद्धांतों को, शिक्षा को फॉलो करते हैं, उनको कहा जाता है चेला। तो यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ सभी जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। अगर आज जरा एक सोच कर देखिए, 10-12 चेलों ने, यानी कि 11 चेलों, यूदा इस्करियोत को छोड़कर 11 चेलों ने जो दुनिया में बदलावट लाई है, क्या वैसा टाइप का बदलावट आज ला पा रहा है कोई? बहुत लोग मुश्किल से लड़ रहे हैं, क्योंकि चेले की जिंदगी जो होती है वो दुनिया बदलने वाली होती है, फॉलोअर की जिंदगी जो होती है खुद की जिंदगी बदलने वाली होती है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, ये किसी धर्म को फॉलो करते थे, कोई कारण के वजह से इनको ईसाइयत अच्छा लगा, इसीलिए यहां पर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों का खाली जगह बदलता है और कुछ नहीं बदलता उनकी जिंदगी में। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोगों के लाइफ में क्या बदलता है? सिर्फ जगह बदलता है, स्थान बदलता है। पहले मैं हिंदू था, अब मैं क्रिश्चियन हो गया। पहले मैं बुद्ध था, अब मैं ईसाई बन गया। पहले मैं मुसलमान था, अब मैं ईसाई बन गया। खाली नाम बदला है, जगह बदला है, काम सब सेम। वो उसके जीवन में पता चलता है, पहले डांस बार, पब, डिस्को में नाचते थे, अब कहां नाचते हैं? कलीसिया में नाचते हैं। खाली जगह अदला बदली हुई है। कैसे? वहां पर लाइट लगाकर, धुआं उड़ाकर, वहां पर पब में यही डांसिंग होती है ना। कमी रहने नहीं चाहिए ना, वो फील नहीं होनी चाहिए कि मेरा जगह बदल गया। तो यहां पर हम डांस करते थे, कौन सा मूवी के गाने में गाना लगाओ, नीचे से फॉग मशीन आएगा, डांस करेंगे, जंप करेंगे, लाइट यहां वहां से कलरफुल आएगा। और यहां पर आने के बाद, मुंबई में एक मीटिंग होती है, इस बार मैं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा कोई और जगह पे सेमिनार था शायद से, है ना, वो सेमिनार में हम चले गए इसलिए गए नहीं। वहां पर एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का नाम है उड़ान। उड़ान कितना अच्छा नाम है। और वहां पर एक भाई गए, उन्होंने व्हाट्सएप में हमको वीडियो भेजा, देखो ब्रदर क्या हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, वर्शिपर स्टेज पे खड़े होकर गाना गा रहे हैं, महिमा वाला, अपना टाइम आएगा।
वो वीडियो है मेरे पास, अगर किसी को देखना मैं दिखा दूं। चर्च में आप बोलोगे कि नहीं 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 चर्च का नहीं हो सकता, अच्छे से वीडियो निकाला है, कवर करके दिखाई कि चर्च है, क्या हो रहा है चर्च में। अपना टाइम आएगा, आएगा तेरा टाइम, आएगा तेरा टाइम, और उस समय में तू बोलेगा हे प्रभु मैं गाना गाता था, तेरी महिमा करता था, और प्रभु तुझे बोलेगा आ गया तेरा टाइम, जा नरक में। आमीन। तो ये जो है बदलावट है जगह का, फॉलोअर्स का। चेला क्या करता है वो बाद में देखेंगे, पहले हम फॉलोअर के बारे में देखेंगे। एक धर्म को फॉलो करने वाले की जिंदगी कैसे होती है, पहले अपने आप को आप जांच कर देखिए, क्या कहीं मैं भी एक धर्म को मान नहीं रहा हूं, धर्म को फॉलो कर रहा हूं, शायद मेरे लिए धर्म नहीं बन गया है, क्योंकि बोली नहीं बदली, बात नहीं बदला है, गाली देना नहीं बदला है, लड़ाई करना नहीं बदला है, क्रोध करना नहीं बदला है, बदला लेना नहीं बदला है, पैसा ब्याज में देना बदला नहीं है, और मैं ईसाई हूं। आज कितने सारे ईसाइयों को मैं जानता हूं वो ब्याज में पैसा देते हैं, और ब्याज में पैसा देने के बाद जिस विश्वासी से पैसा रिटर्न नहीं मिलता है वो विश्वासी को अन्याय अन्याय भाषा में गाली देते हैं, अन्य भाषा नहीं, अन्याय अन्याय भाषा में गाली देते हैं। कलीसिया में आके अन्य भाषा बोल लेंगे, बाहर जाकर अन्याय अन्याय का भाषा उनके साथ करेंगे, क्योंकि देयर लाइफ देयर एटीट्यूड देयर प्रैक्टिस रिमेन्स एज इट इज बिकॉज दे हैव जस्ट चेंज द प्लेस फ्रॉम वन रिलीजन टू द अदर रिलीजन, एक धर्म से दूसरे धर्म में वो आ गए हैं। आज ये अंतिम समय के ये जो फॉलोअर हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, क्रिश्चियन क्राइस्ट को नहीं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं, उनके जिंदगी के बारे में हम देखेंगे। मैं आपको जो जो वचन पता है वही वचन को जो है मैं लूंगा, और उसी वचन को हम थोड़ा स्टडी करेंगे। हालेलुया, आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया, आवाज और थोड़ा सा हालेलुया। मुझे लग रहा है कि लोग अभी से निराश होना शुरू हो गए कि आते आते इसने शुरू कर दिया अपना। थोड़ा अच्छा बोल लो ब्रदर, कभी कुछ अच्छा बोलो ब्रदर, कभी कभी हमारे दिल को तसल्ली पहुंचाने वाली बात करो ब्रदर। आप भी कभी बोलो कि परमेश्वर आपको चंगाई करेगा, आप भी बोलो ब्रदर कभी परमेश्वर कहे तुम्हारे ऊपर अनुग्रह भरपूरी से होगा। क्या आपको मेरे कहने पर ही आश्वासन आएगा कि प्रभु आपसे प्यार करता है? क्या आपको प्रचारक के कहने के बाद ही लगता है अरे हाँ मैं तो भूल गया परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है? जब तक प्रचारक माइक में नहीं बोलेगा परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तब तक हमको भरोसा ही नहीं होता है। ऐसा है क्या? तो आपको मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, किसी प्रचारक के बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और यहां से अंग में काटा जाता है, अभी लगेगा आजू में स्वर्गदूत है। वो कहे या ना कहे, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप विश्वास करते हो परमेश्वर का अनुग्रह भलाई करुणा चंगाई सब आपके लिए है। हालेलुया, आप विश्वास करते हो ना इस बात को? तो बार बार उसी चीज को सुनने वाले जो होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स का एक अच्छा परिभाषा क्या होता है, उनको बार बार कोई क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, चिंता मत कर चिंता मत कर, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत स्वीट है, तू स्पेशल है, तेरे जैसा कोई नहीं। ये बार बार उनको जो है याद दिलाने वाला कोई चाहिए रहेगा, उनको जो है फॉलोअर कहते हैं। तो सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तीमोथी की किताब 4:3, दूसरा तीमोथी 4:3 हम पढ़ेंगे, पढ़िए ब्रदर। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आ गया जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरा उपदेश वो नहीं सहेंगे, इस पॉइंट के बारे में हम बाद में देखेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यहां पर फॉलोअर के कम से कम जो है 4 पॉइंट हम ये वचन से निकाल सकते हैं, दूसरा तीमोथी के किताब 4:3-4 में एक एक पॉइंट को हम ब्रेक डाउन करके चलेंगे। ये जो फॉलोअर्स होते हैं और जो चेले होते हैं उनमें क्या फर्क होता है, हम चेलों के बारे में बाद में देखेंगे। फॉलोअर्स की सबसे बड़ी खूबी ये होती है, या फिर प्रॉब्लम मैं कह सकता हूं, उनका खुद का एक इच्छा होता है। क्या होता है? उनका खुद का एक लालसा होता है, इसीलिए वचन कहता है वो क्या करेंगे, खुद के इच्छा के अनुसार, खुद के लालसा के अनुसार क्या करेंगे, बाद में आएंगे जो करते हैं, प्रचारक को चुनेंगे, वो सब अलग बात है। तो उनके लिए जो है मसीहत में आने के बाद उनका खुद स्वयं जो है अभी तक मरा नहीं है, उनका स्वयं यानी कि उनका जो सेल्फ है अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो क्या करते हैं पता है, वो अपने इच्छा को रखकर और उसके आधार पर उनका प्रार्थना भी होगा, और उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे, उस बातों को तसल्ली देने वालों को वो चुनेंगे। सो दे विल हैव देयर ओन डिजायर। जरा सोच कर देखिए,
अब यहां पर मैं प्रचार करने आया हूं तो ये मत सोचिए कि फ्रांसिस भाई की जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में कल रात से दो दिन से बहुत बड़ा क्लेश है, लेकिन वो क्या है मैं आपको आगे जब चेलों के बारे में बताऊंगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है चेला बनना और उसका पैसा कितना लगता है, उसका कॉस्ट क्या है, उसके लिए क्या दाम चुकानी पड़ती है। तो यहां पर ये जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी एक खुद की इच्छा होती है। प्रार्थना करते समय पहले वो क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे, फिर बाद में परमेश्वर के पास अप्रूवल के लिए जाएंगे। प्रभु ये मैंने कर लिया है या प्रभु मैंने सोच लिया है, आप बताइए क्या सही है या गलत है। प्लान कर लिया फिर उसके बाद क्या पूछेंगे, ये सही है या गलत है। अगर परमेश्वर ने गलत बोल दिया शायद से मैंने बराबर प्रार्थना नहीं किया, फिर से प्रार्थना करता हूं। या फिर ये पास्टर ने बोल दिया शायद से ये पास्टर के पास परमेश्वर बात नहीं करते, मैं दूसरे पास्टर के पास चले जाता हूं। तो ये क्या होते हैं फॉलोअर्स, दे विल हैव देयर ओन डिजायर, मेरी इच्छा, मेरी अपेक्षा, मैं ये चाहता हूं। सो खुद के इच्छा को जो है हमेशा अपने जीवन में रखते हैं। इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, मेरा ही घर का देता हूं। दो दिन पहले मेरे मम्मी से थोड़ी सी छोटी सी बहस हो गई। अच्छा है कभी कभी छोटा बहस करना बाइबल को लेकर। तो मेरे मम्मी ने कहा कि मैं प्रार्थना कर रही हूं इस बात को लेकर वो क्यों नहीं होता। तो मैंने बोला आप प्रार्थना ये बोलकर करती हो कि ये होना है तो फिर प्रार्थना क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि तो फिर मुझे प्रार्थना कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा प्रार्थना करने का तरीका ये है कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आपका समय क्या है, ये दोनों को समझने और जो घटना घट रही है उसको सहने की शक्ति हमें दे, ये मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पति पियकड़ हो सकते हैं या फिर आपके बच्चे बिगड़े हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। ये गलत नहीं है प्रार्थना करना कि प्रभु इनको सुधारो, लेकिन प्रभु अभी के अभी हम जिद करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु को ज्यादा चिल्लाने से प्रभु आपका काम कर देंगे। आप देखा कुछ प्रार्थना ऐसा होता है, निराश होता हूं वो प्रार्थना को देखकर, ऐसा चिल्लाएंगे और बार बार बोलेंगे प्रभु करो, यीशु के नाम से करो। प्रभु ठीक है, आपके चिल्लाने से प्रभु बोलेगा ठीक है मेरा बेटा ज्यादा चिल्ला रहा है मैं करूं। जब तक परमेश्वर की मर्जी और समय नहीं आता है परमेश्वर वो कार्य को नहीं करेंगे। ये समझ और ये बुद्धि जो है फॉलोअर्स के अंदर नहीं होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, दे आर ड्रिवन बाय देयर ओन डिजायर्स, अपनी इच्छा के अनुसार वो चलते हैं। और अपने इच्छा के अनुसार वो क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट है वो अपने लिए क्या करते हैं, खुद के शिक्षक चुनते हैं। क्या करते हैं ये फॉलोअर्स की खूबी, एक पहली होती है उनका एक चाहत होता है, दूसरा वो चाहत को सपोर्ट करने वाला एक प्रचारक को चुनेंगे। उदाहरण के तौर पर इनके जीवन में बहुत तकलीफ हो रही है, आज जैसे स्पेशलिस्ट आते हैं, मतलब डॉक्टर्स में स्पेशलिटी आती है, कान का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, आज प्रचारकों में भी स्पेशलिस्ट आ गए हैं, हीलिंग स्पेशलिस्ट, प्रोफेसी स्पेशलिस्ट, ये चंगाई के स्पेशलिस्ट हैं, वो प्रचारक को उसी नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, ये स्पेशल किस में है, ये भविष्यवाणी करने में स्पेशल है, ये किस लिए स्पेशल है, ये प्रचार करने के लिए स्पेशल है, ये किस लिए स्पेशल है, ये काम के लिए स्पेशल है। लेकिन बाइबल ऐसा क्लासिफिकेशन हमको नहीं देता है। बाइबल कहती है मरकुस की किताब में जितनों ने विश्वास किया है परमेश्वर ने उनको संतान बनाया है, और जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो सारे चिन्ह चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है, फॉलोअर्स, अनुयायी कहते हैं ना उसको हिंदी में, ब्रदर फॉलोअर्स को, ये अनुयायी और डिसाइपल चेलों में यही फर्क है कि वो खुद का इच्छा आगे रखते हैं, दूसरा खुद के लिए शिक्षक चुनेंगे। वचन यही कहता है ना, खुद के लिए सेल्फ अपॉइंट करते हैं, ये प्रचारक को मैं सुनूंगा। जरा सोच कर देखिए क्या आप में से ऐसा कोई बैठे हैं कि मैं यही प्रचारक को सुनूंगा। अगर आपने ये सोच के रखा है कि मैं फ्रांसिस को ही सुनूंगा, आप डिसाइपल नहीं बनने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि फ्रांसिस भाई माइक पकड़ के बात कर रहे हैं, मैं इनके प्रचार के अलावा कोई और प्रचार नहीं सुनूंगा, आप कहीं ना कहीं उस रास्ते से हटकर जिस फॉलोअर के बारे में बात कर रहा हूं वहीं पर आप भी गिर रहे हो। तो आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या ब्रदर तो प्रचारक को चुनना नहीं चाहिए। तो आप बताइए, आप पूरे भारत में ये प्रचारक सही नहीं है, वो प्रचारक सही नहीं है, आप सबके बारे में बोलते हो, तो आप बताइए हम कौन से प्रचारक को सुने। मैं हमेशा उनको पर्सनली जाके पूछने का सोचता हूं, तुम्हारे कलीसिया में पास्टर नहीं है क्या, आपको क्यों एक फेमस पास्टर चाहिए, वो बोलेगा तो ही मैं सुनूंगा। क्यों, आपके स्थानीय कलीसिया का क्या हुआ। देखिए मैं यही कह रहा हूं, शैतान बहुत चालाक है, वो जो कलीसिया के अंदर
चेला बनाने का जो प्रतिक्रिया होता है, चेला बनाने का जो काम होता है, वो काम को किस प्रकार तोड़ रहा है और एक इंसान को फॉलोअर बना रहा है। वो क्रिश्चियन रिलीजन का फॉलोअर है बल्कि क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं बन रहा है। अगला पॉइंट वो क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है। अभी प्रचारक को भी कैसे चुनेंगे मैं बताता हूं। पहला खुद का इच्छा होगा, दूसरा प्रचारकों को चुनेंगे। और प्रचारकों को कैसे चुनेंगे पता है, पढ़िए ब्रदर वो दूसरा तीमती चौथा अध्याय फिर से एक बार पढ़िए। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। नहीं, तीसरा वचन, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे परंतु कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपने अभिलाषाओं को सूट करने के लिए। बहुत सारे लोगों को सच्चाई नहीं सुनना है, ये ध्यान से सुनिए आप। अगर आपको लगता है कि मसीहत में आने वाले सब लोग सच्चाई में चल रहे हैं, आज भारत का भविष्य बहुत अच्छा होता। अगर आपको लगता है कि सब लोग सच्चाई को मानते हैं या फिर आपको लगता है कि वो ट्रूथ को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये आश्वासन चाहिए, कोई उनको बोले कि भैया तू सच्चाई को फॉलो कर रहा है। हाँ, मैं सच्चाई को फॉलो कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात। बहुत सारे लोगों को सच्चाई नहीं सुनना है बल्कि ये सुनना है कि हाँ तुम सच्चाई को फॉलो कर रहे हो, तो जो तुम फॉलो कर रहे हो वो सच है, ये सुनाने वाला कोई उनको मिल गया तो सब कुछ अच्छा है। इसीलिए आज हम देखते हैं भारत देश में बहुत सारे झूठे प्रचारक खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये झूठे प्रचारकों का सक्सेस क्या है, उनका टेक्निक नहीं है, उनका टिप्स नहीं है या फिर उनका ट्रिक नहीं है, ये फॉलोअर्स की वजह से ये झूठे प्रचारक क्या हो गए, खड़े हो गए। क्योंकि शैतान ने क्या किया, इंसान के अंदर एक विश्वासी जैसे ही वो मसीह में नया आता है उसके अंदर उसकी खुद की इच्छा को पूरी तरह मरने नहीं दिया। दूसरा वो क्या करता है, उनके लिए एक प्रचारक को चुनने में मदद करता है। आप बोलोगे क्या प्रचारक को चुनने के लिए भी शैतान मदद करता है? जी हां, ये एक बारीक जो चीज है वो बहुत सारे मसीह चूक जाते हैं। हां, ये सच है कि शैतान आपको प्रचारक को चुनने भी मदद करता है, क्योंकि शैतान को आपका जो डिजायर है, आपका जो चाहत है, जो बुरा है वो जानता है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको तो मजा आता है। इसीलिए देखिए दुनिया में जो लोग गलत काम करते हैं वो गलत काम करने के सहूलियत और उनके लिए जो तैयारियां हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, देखा आपने। और मसीहत में यही है कि झूठे प्रचारक बढ़ने का कारण ये डिसाइपल्स नहीं है, ये चेले नहीं है, ये जो फॉलोअर्स हैं जो अपनी इच्छा और उनके पैशन को सूट करने जैसे एक प्रचारक को चुन लेंगे। क्यों चुनते हैं मैं वो भी बताता हूं, क्या सुनना पसंद करते हैं ये लोग। चौथा वचन फिर से पढ़िए ब्रदर। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों पर लगाएंगे, जब मैंने इसको ग्रीक में स्टडी किया तो मुझे पता चला फैंसी थिंग्स, फैंसी मतलब जो सुनने में अच्छा लगता है। इसीलिए आज इंटरनेट के द्वारा भी शैतान जो है बहुत सारे लोगों को माइंड को पकड़ लिया। देखिए ऋतिक रोशन का पेट दर्द को परमेश्वर ने दूर किया, फोटो लग गया, अरे वाह ओपन करो और देखो क्या हुआ ऋतिक रोशन के साथ। जॉनी लिवर ने यीशु के बारे में क्या बोला, केजरीवाल जी ने कहा यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के जैसे हम सेवा करते हैं, हम उस चीज को लेकर इतने भावुक हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, हम बोलते हैं अरे वाह और उसी के पीछे भागते हैं। आज बहुत सारे लोगों को टेस्टिमनी जो है जीवन बदलने के लिए सुनना नहीं होता है। मैं ये सच बात बता रहा हूं, ये कुछ लोगों को बुरा लगेगा, इसके लिए गालियां भी पड़ेंगी मेरे को, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोग आज गवाही जो है ना अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सुनते हैं, लेकिन बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर लोग क्यों सुनते हैं, वाले में मजा आता है। ब्रदर आपकी गवाही क्या है, मैं एक्चुअली ना एक अविश्वासी परिवार से आता हूं और प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया, बस। हाँ, लेकिन अगर गवाही ऐसी है, मैं ऐसे परिवार से था, मैं गुंडा था, मैं चाकू लेकर रात को 1:30 बजे घूम रहा था, एक बार आके मैं को मारने गया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे बार मेरा हाथ पकड़ा, हम बोलेंगे आगे बताओ और क्या हो रहा है, मजा आ रहा है सुनने में। तो हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार काम करता है, कई बार उसको समझने के लिए हम चूक जाते हैं। अगर आपका माइंड थ्रिल, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, आगे जानने के लिए देखिए क्या होगा, ऐसे वाली जिंदगी जी रहे हो तो आप चेला बनते होंगे। लेकिन ज्यादातर आपके अंदर किसकी खूबी आ रही है, एक फॉलोअर की खूबी आती है, क्योंकि वचन कहता है वो कथाओं पर और कहानियों पर क्या करेंगे, ज्यादा कान लगाएंगे। इसीलिए देखो आज बहुत सारे प्रचारक जब भी कुछ नया सिखाने आएंगे, एक प्रचारक है वो प्रचारक
जब भी उनकी मीटिंग होती है हॉल में होती है, ओपनली भी होती है, लेकिन हॉल में जब होती है मोबाइल फोन छीन लेते हैं। आपने सुना है वो प्रचारक के बारे में? नहीं सुना है। वो सबका मोबाइल छीन लेंगे। आप बोलेंगे ब्रदर आपको कैसे पता? क्योंकि हमारे भी कुछ ब्रदर हैं, वो जाते हैं देखने के लिए ये क्या करते हैं। ब्रदर क्या आप जासूस भेजते हो क्या? नहीं, मैं जासूस नहीं भेजता हूं, लेकिन बहुत सारे सच्चे मसीह उसी कलीसिया के भाग और उसी मीटिंग के भागीदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर उनको फॉलोअर से चेला बनाता है, तब ये सारी बातें वो बताते हैं। उनका फोन छीन लिया जाता है। अब हाल ही में जो है बैंगलोर में वो मीटिंग हुई, फोन छीन लिया गया, फिर बाद में देखा अंदर क्या हुआ, तो वो कह रहे हैं कि सेवक की जो परछाई है वो लोगों पर जब पड़ेगी उससे आशीष आएगी। तो उसके लिए क्या किया उन लोगों ने, एक लाइट को लगाया हैलोजन को पीछे से, जिसके ऊपर वो सेवक के ऊपर वो लाइट पड़ा और जो परछाई लोगों के ऊपर गिर रही है और वो चल रहे लोगों के ऊपर परछाई गिर रही है, आशीष आ रही है, आशीष आ रही है। ये वो फॉलोअर्स हैं जिनको ऐसे चीजों में मजा आता है। क्या ये बाइबल के आधार पर है? हमको क्या करना है, मजा आ रहा है। वो मीटिंग में क्या क्या सीखा, हमको क्या करना है, हमको मजा आ रहा है। फॉलोअर्स लव एंटरटेनमेंट। फॉलोअर्स को क्या अच्छा लगता है? एंटरटेनमेंट। इसीलिए देखो जवानों का सभा लगाओ, आप एक किसी नॉर्मल सेवक को बुला लो प्रचार करने के लिए, भीड़ नहीं आएगी। लाइट वाइट लगा लो, वहां पर डांस करवाओ, वहां पर अपना टाइम आएगा गवा लो, भीड़ वहां पर भागेगी। 8 घंटे का वर्शिप प्रोग्राम में खड़े रहकर डांस करने के लिए इनको हिम्मत और ताकत और सब कुछ रहता है, लेकिन 1 घंटे के उपवास प्रार्थना में इनको पानी लाओ भाई पानी लाओ, चक्कर आ रहा है मेरे को। 8 घंटा खड़े रहेंगे और चिल्लाएंगे गाएंगे, क्यों? क्योंकि ये फॉलोअर्स हैं, ये डिसाइपल्स नहीं है। तो फॉलोअर्स वो क्या करते हैं, कहानी कथाओं पर कान लगाते हैं, उनको उसी चीज में एंटरटेनमेंट मिलती है। और झूठे प्रचारक को भी वो लोग वैसे ही चुनते हैं, क्योंकि ये वचन कहता है उनके इच्छा के अनुसार, अभिलाषा के अनुसार वो प्रचारक को भी ऐसा चुन लेते हैं। मेरे को डांस करना मजा आता है तो डांसिंग प्रचारक को हम चुन लेते हैं। तमिलनाडु में जो है एक प्रचारक है, वो स्टेज पे खड़ा रहता है, यूट्यूब पे वीडियो है, वो क्या कहता है, अगर मैं ऐसा एक स्टेप करूंगा तो अभिषेक आएगा, एक ऐसा स्टेप करूंगा तो अभिषेक आएगा, तो म्यूजिक बताता है, टंग 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 करके नाचता है। एक एक स्टेप में म्यूजिक में परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है, लोग भी पागलों की तरह नाच रहे हैं उसके साथ। ये कौन है? ये चेले बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये सारे के सारे फॉलोअर्स हैं, बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय देयर ओन डिजायर्स एंड दे फाइंड टीचर्स हु कैन सूट देयर पैशन। उनके चाहतों को पूरा करने वाला सेवक भी आ गया। तो देखो ना ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना मजेदार कॉम्बिनेशन है। डायसन भाई इधर आ जाइए। अब मुझे जो है एक चीज पसंद है, ठीक है, मुझे ये मान लीजिए ऐसा वाला घड़ी बहुत पसंद है और मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जिसके पास वो घड़ी है, अगर वो घड़ी मुझे चाहिए, देखिए ध्यान से समझिए, ये घड़ी मेरे पास नहीं अभी फिलहाल, ठीक है, पहना हूं। अब ये घड़ी मेरे अंदर चाहत आ गई, मुझे ये घड़ी चाहिए, राइट। अब मैं इसको खरीदना चाहूंगा कैसे ना कैसे करके इसको मैं पालूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये घड़ी के जानकारी के लिए किसके पास जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, जिसके पास है। तो मैंने देखा ये भाई साहब वो घड़ी की जानकारी दे सकते हैं, भाई कैसे हैं, अच्छे हैं आप, तो ये घड़ी के बारे में क्या लगता है आपको, कितने का मिला, तो ये सारा जानकारी इनसे लिया, इनसे ही पूछा ये कहां मिलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, मेरे जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो ये जो आज के फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियनिटी में, वो क्या करते हैं, प्रचारकों को भी ऐसा चुनते हैं। तो क्या मैं बीमार रहूं तो मैं किसी चंगाई सभा में नहीं जाऊं? मैं वापस से यही कह रहा हूं, क्या आपके स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने अभिषेक को जो है आधा बॉटल रखा है, या फिर परमेश्वर ने कहा कि वहां पर जाओगे मैं ड्रम में भर के रखा हूं उसमें डुबकी लगाओ तब जाकर तुमको चंगाई मिलेगी? नहीं ना। आज चंगाई सभाएं बढ़ने का एक अच्छा कारण भी है और बुरा कारण भी है। बुरा कारण अभी मैं बता रहा हूं, अच्छा कारण यह है कि लोगों को लग रहा है कि ये क्रिश्चियन लोग जो है क्या ढोंग कर रहे हैं। देखो आप बोलोगे उसको अच्छा कार्य बोल रहे हो या बुरा कार्य बोल रहे हो, समझदार को इशारा काफी है। तो यहां पर लोग अपने लिए प्रचारक को अपने चाहत के अनुसार बटोर रहे हैं, क्योंकि उनको वही सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं। तो क्या फिर मान लीजिए कल के दिन राकेश पास्टर किसी चीज को प्रचार कर रहे हैं और एक जवान लड़का बैठा है उसको वो नहीं सुनना है, वो क्या करेगा, इनका बात को सुनेगा? नहीं। आज मैंने फेसबुक में एक पोस्ट डाला है कि भैया डेटिंग करना बाइबल के हिसाब से गलत है, तो एक लड़का आ गया 100% 20 साल से भी कम रहेगा, वो आके मेरे से लड़ाई करना शुरू कर दिया। बोलते कि आप कैसे बोल सकते हो डेटिंग करना गलत है, तुमको उतना नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं तुमसे डिसएग्री करता हूं। तो जब तक प्रचारक उनके कानों की खुजली के अनुसार बोलेगा तब तक वो क्या करेंगे, उसको सुनेंगे और उसके बाद
वो प्रचारक को बदल लेंगे, जाएंगे वो कलीसिया में लेकिन सुनेंगे किसी और को। लोग बोलते कि उनका मैं पूरा नहीं सुनता हूं, थोड़ा ही सुनता हूं। बाइबल कहती है कि थोड़ा पाप कर लो चलेगा, है ना, बाइबल यही कहती है ना? नहीं, बाइबल यही कहती है कि पाप आपको दंड लाकर देगा। तो ये फॉलोअर की खूबी होती है, सबसे पहला खुद की इच्छा, दूसरा खुद के लिए शिक्षक चुनेंगे। तो जरा सोच कर देखिए, क्या आपने आपके लिए खुद के लिए कोई शिक्षक चुन के रखा है? जब आप खुद के लिए एक शिक्षक चुन के रखते हो, उसके बारे में बोले कोई तो आपको सीधा दिल पर लगेगा। यही गांव से कुछ ब्रदर्स हैं जिन्होंने मेरा पोस्टर बना के मुझे फेमस किया था फेसबुक में वगैरह। मेरा एक फोटो लिया मेरे पर्सनल अकाउंट से, मेरे ऊपर एक लाल कलर का स्टिकर लगाया फोटो में और लिखा कि ये फ्रांसिस बाबा यूट्यूब वाले कहाँ चले गए और डाल दिया फेसबुक में। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया में, जिस कलीसिया में जाते हैं, वहां के सेवक के बारे में हमने कुछ कहा। तो फॉलोअर में गुस्सा भड़क जाता है, कब? तुमने मेरे प्रचारक के बारे में कैसे बात किया। माइंड पहले ये नहीं सोचेगा क्या बोला, पहला पूछेंगे क्यों बोला। इसीलिए आज जब भी देखिए, झूठे प्रचारकों के बारे में कोई भी कुछ भी बोले, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई अथॉरिटी रहे, वो बोले तो वो करेंगे। इसीलिए अभी किसी कॉमेडी में कुछ हो गया था ना, किसी ने हालेलुया शब्द को गलत बोल दिया, क्या हंगामा हो गया। वाह, इतने लोग सड़क पे, इतने लोग चिल्ला रहे हैं, इतने लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, पुतला बना के जला रहे हैं। मैं बोला यार, इतना जोश अगर सुसमाचार बांटने में एकता दिखाते लोग, मसीहों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, गांव में पास्टरों को मारा जाता है, गांव में कलीसिया को तोड़ा जाता है, तब कोई सड़क पर नहीं उतरेगा। लेकिन किसी ने बोल दिया, क्या बोल दिया? क्योंकि अपने लिए एक प्रचारक चुन लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हालेलुया के बारे में गलत बोला, अपने लिए पकड़ लिया। अब उसने जो बोला मैं उसको क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। एक ने मेरे को कमेंट में बताया, तुम हमारे पास्टर पॉल दिनकरन के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो गलत हो ही नहीं सकते। बोला वाह, ये तो बढ़िया है। हमने क्लियरली हमारे चैनल में कितने बार बताया, 2019 के लिए जो भविष्यवाणी की है वो सब कुछ फेल हो गया है। गवर्नमेंट चेंज होगी, भविष्यवाणी की फेल हो गई। भारत में आर्थिक स्थिति बदलेगी, इंप्रूव होगी, नहीं हुई। सोने का दाम बढ़ेगा, नहीं बढ़ा। टूरिज्म में बढ़ावा आएगा, नहीं आया। प्रोडक्ट सस्ते होंगे, उल्टा महंगाई बढ़ गई। ऐसे 5-6 भविष्यवाणी को मैंने अपने YouTube चैनल में डाला, फिर भी लोग उनको छोड़कर वो क्या कर रहे हैं। अरे योना का भी भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ था ना, योना का भविष्यवाणी अधूरा नहीं था। योना को परमेश्वर ने कहा, यदि लोग ये लोग मन फिराएंगे तो उनके ऊपर मैं क्या करूंगा, दया करूंगा। तो ये जो फॉलोअर्स होते हैं उनको मजा आता है। अगर समझो यहां पर खड़े रहकर मैं माइक पकड़ के बोलूं, 2020 ब्रदर, परमेश्वर आपको कह रहा है कि इस साल आप एक जैकेट के साथ हो, अगले साल आप 3 जैकेट के साथ आओगे। ब्रदर कांपेंगे और हालेलुया बोलेंगे। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो अंदर एक बोलते ना, वो इनो इफेक्ट आ जाता है। ये हर जगह होता है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काम करता हूं, मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूं, इसलिए मुझे पता है लोगों के बीच में किस प्रकार बोला जाए तो लोगों के अंदर जोश आता है। तो ये लोगों को यही सुनना है, क्योंकि उनको मजा आता है। और वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक अधिकार, एक सेलिब्रिटी को क्या कर लेते हैं, अपने लिए एक शिक्षक बना के रख लेते हैं, और वो जो कहेगा वो लोग वही करेंगे। उसने बोला कि गलत, सड़क पे उतरो, तो सड़क पे उतरेंगे। हम क्या करेंगे, लोगों की बीच में नफरत को फैलाएंगे। मसीहत की एकता जरूरी है। भाई फ्रांसिस, तुम हमेशा मसीहत में एकता तोड़ने की बात करते हो। मैं जिस एकता के बारे में बात कर रहा हूं वो बिब्लिकल एकता है, लेकिन जिस एकता के बारे में दुनिया बात कर रही है वो एकता से बहुत प्यार करता है शैतान। शैतान चाहता है कि गलत गलत शिक्षा देने वाले, गलत गलत काम करने वाले एक हो जाए, क्योंकि जब वो एक हो जाएंगे तो बचे कुचे हुए उनके आवाज को तो इजीली दबा दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, जो जाग रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पता नहीं कितने लोगों को बुरा लग रहा है प्रचार से, लेकिन अंतिम समय के लिए हमको यह तैयारी करनी है। जरा सोच के देखना, यहां पर बैठे हुए में हम में से कितने लोग फॉलोअर्स, अनुयायी बने हैं। अगर ये खूबियां कहीं ना कहीं थोड़ा भी आपके अंदर चिपका हुआ है तो सोचिए, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको दुख के साथ परमेश्वर के चरणों में आने की जरूरत है। क्योंकि ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, ये जो फॉलोअर्स होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। क्यों, मैं बताता हूं। एक बार ऐसे एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे,
बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। वो प्रचार कर रहे थे कि किस प्रकार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था, और नहीं अच्छे पति पत्नी थे और कहीं वो घूमने गए थे, और वो घूमने के समय में कुछ तो बाढ़ आया या फिर पहाड़ से वो नीचे स्लिप हो गए, तो वो पत्नी जो है उनके पति के हाथ को पकड़ के रो रही थी कि मुझे बचा लो, और प्रचारक जिस तरीके से बोल रहे थे मैं ऐसा घूम घूम के देख रहा हूँ, सब लोग आंसू में, सब रो रहे हैं, वो पत्नी चिल्ला रही है मुझे मत छोड़ना। वो प्रचारक भी एकदम धुएंदार प्रचारक है, मस्त स्टोरी अच्छा बोलते हैं, मस्त प्रचार किया, सब रो रहे हैं, सब सामने बैठे वाले, नीचे बैठे वाले, साइड वाले, अंकल आंटी बच्चे सब रो रहे हैं, और वो पूरा स्टोरी बनाया उन्होंने कि वो नीचे गिरने वाली है, उसका हाथ अभी छूटने वाला है, वो पति को देख के बोल रही है कि मुझे मत छोड़ना मत छोड़ना, सब रो रहे हैं, और आखिर में उसके पति ने उसको छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। ये सब एक्सप्लेनेशन वाले लोग अच्छे से रोए, बोला बहुत बढ़िया। जैसे रो के खत्म हुआ, आंसू पोंछे सब लोग, और वही प्रचारक ने कंटिन्यू करते हुए यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बात किया, यीशु मसीह मरे उसके बारे में बात किया, यीशु मसीह हमारे लिए जान दिए उसके बारे में बात किया, लेकिन एक के आंखों से आंसू क्या, जो लोग रो रहे थे वो झपकियां ले रहे थे। ये फर्क है फॉलोअर में और चेला में, क्योंकि आज प्रचारक भी ऐसे होते हैं, प्रचार भी ऐसे ही चाहिए, लोगों को मजा आना चाहिए, यहां की कहानी बताएंगे वहां की कहानी बताएंगे, लेकिन जरा सोच कर देखिए क्या हमें भी ऐसा लगता है, क्या प्रचार को सुनते समय हमें आपको नींद आ रही है और बाकी कहानी सुनने के टाइम पे आपको मजा आ रहा है। आप चेले नहीं बल्कि फॉलोअर हैं, सुधारने का समय है। बहुत जगह पे ऐसा होता है प्रचार हो रही है 10 मिनट के अंदर आग लग जाती है, लेकिन वहां पर प्रचार के अलावा कहानी हो टेस्टिमनी हो मजा आता है सुनने के लिए। देखिए हमारे माइंड को हमने कैसा ट्रेन करके रखा है, और शैतान को तो मजा आता है इसी चीज में। ये एक पांचवा पॉइंट है कि दे एक्सपेक्ट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट, वो चाहते हैं कि कोई हमारे लिए वचन बताए, कोई हमारे ऊपर हाथ रखे, तब जाकर मेरे जीवन में बदलावट आएगा। परमेश्वर ने आपको डायरेक्ट अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको सीधा सीधा हाथ में अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपके हाथ में बाइबल दिया है, लेकिन फिर भी हम खोलकर उसको क्या नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे झूठ तो बाहर निकल जाएगा, सच अलग अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरा भरोसा तू ही है कौन, एक प्रचारक। इसलिए मैं हमेशा मैं लोगों को कहता हूं, जब भी आप मुझे मिलने आओगे ये बात को कभी नहीं कहना कि ब्रदर मैं आपका फैन हूं, मैं आपका फॉलोअर हूं, मुझे गुस्सा आएगा तो मेरे से उम्र में छोटे तो कान घुमा दूंगा, बड़े रहेंगे तो बोलूंगा कि ब्रदर ये मत बोलो, क्योंकि यहां पर एक सेवक एक प्रचारक फॉलोअर फैन बनाने के लिए नहीं बल्कि चेले बनाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन यहां पर फॉलोअर की वजह से इसीलिए जब एक ने एक के बारे में बोला सब यहां पर चले जाते हैं। देखिए रॉबिन अल्मेडा ने किसी एक के बारे में बोला, वो भड़क गया, उसने वीडियो बनाया, तुम किसके बारे में, तुम तो क्रिटिसिज्म सह नहीं सकते, लड़ाई चालू है। परमेश्वर के वचन के लिए मैदान में क्यों नहीं उतरते, 100,000 में जाकर आपने कहा कि भारती सिंह माफी मांगो, भारती सिंह माफी मांगो, वो 100,000 लोग कितने बार सड़क में उतर कर कहते हैं यीशु आपसे प्यार करता है, आ जाओ ट्रैक्स बांटने जाएंगे, नहीं, क्योंकि उनको ये करने में मजा आता है। फॉलोअर को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन करते हैं। फॉलोअर जो सुना वो करेंगे, क्या सुना नहीं मालूम। आज भारत देश में आप देख ही रहे हो ना, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप जानते हो जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है कोई भी पार्टी का हो उसको फॉलो करने वाला क्या हो रहा है वो नहीं समझेगा। कितने वीडियो देख ली होगी आपने, उसको पकड़ता है रिपोर्टर, बता किसके लिए तुम ये बात कर रहे हो, उसको ही नहीं पता होता, नहीं पता। तो फॉलोअर की जिंदगी ऐसे मसीहों की जिंदगी, क्यों इधर जा रहे हो, अच्छा लगता है, वहां पर उनकी शिक्षा क्या करना है नहीं पता, उन्होंने शिक्षा सही दी नहीं पता। तो क्या आप उनमें से एक हैं? और मैं चाहता हूं कि आप भी जो है यहां पर बैठे हुए एक एक वचनों को जो मैं कह रहा हूं उन चीजों को ओपन करके स्टडी कीजिए। हालेलुया। इतना याद रखिए मत्ते की किताब 22वां अध्याय 14 वचन सफाई से कहता है बुलाए गए बहुत सारे लोग हैं, बुलाए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितने थे चुने, कुछ वो चेले बनते हैं। मैनी are called but few are chosen and only the chosen can become disciples। और भी देखेंगे छठा क्या है, ये जो followers होते हैं उनकी एक और खूबी क्या है, they love benefits, उनको फायदा में रहना चाहिए, उनको जब तक फायदा मिलेगा तब तक वो क्या करेंगे, मसीह के follower बनेंगे। उदाहरण हम बाइबल से ही देखेंगे, कहीं दुनिया से नहीं देखेंगे। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 26 वचन को एक जन जोर से जल्दी से पढ़ेंगे, यूहन्ना 6
26 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इतना ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह और बाइबल में कभी भी एक शब्द को दो बार दोहराया जाता है, बाइबल में बहुत बार आपने देखा होगा ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे I say verily, verily I say to you, जब एक शब्द को दो बार रिपीट किया जाता है वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा जोर देकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो बात कही जाती है। तो यहां पर यीशु मसीह बार बार एक शब्द को दोहराकर वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ध्यान से सुनो, आई से टू यू एम्फेटिकली, लिसन व्हाट डू आई से, क्या कहते हैं यीशु मसीह, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो। यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह को ढूंढ कर आए थे। ये योहन्ना का किताब 6 अध्याय पढ़कर देखेंगे, यीशु मसीह के पास आए थे। एक बार ऑलरेडी यीशु मसीह के पास वो भीड़ गई थी, वहां पर यीशु मसीह के शिक्षा को सुना, चमत्कार को देखा, फिर से पता चला यीशु मसीह आ रहे हैं, तो फिर से यीशु मसीह को मिलने आए। यीशु मसीह अब की बार उनको देखकर क्या कह रहे हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखा और बोला कि अरे मसीहा आया है, ये हमारा मसीहा है, ये हमारा उद्धार करता है, दाऊद का बेटा ये है जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में वो ये है, ये वो खुदा है जो मुझे मुक्ति दे सकता है, ये वो मसीहा है जो मुझे आजाद कर सकता है। तुम ये सारे चिन्ह को, ये सारे साइंस और वंडर्स को देखकर मेरे पास नहीं आते हो, मैं सच सच कहता हूं। और यही शब्द आज कलीसिया में यीशु मसीह सबको देकर नहीं बल्कि कुछ को, बहुतों को देकर कह रहे हैं कि मैं सच सच कहता हूं। बहुत सारे ईसाई या फिर बहुत सारे फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी वो इसीलिए नहीं आए कि उनके जीवन में परमेश्वर का महान कार्य हुआ, बल्कि परंतु इसलिए कि, परंतु इसलिए आए तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, तुमको रोटी मिला और तुम तृप्त हुए। मैं परमेश्वर में आने से पहले बहुत परेशान रहता था, अब मैं परमेश्वर में आ गया तो मेरा धंधा व्यापार बेटर हो गया। पुणे में हम लोग क्रिसमस का रैली कर रहे थे और रैली खत्म होने के बाद शाम को मैं कुछ लोगों को स्नैक्स खिलाने के लिए एक वड़ा पाव स्टॉल में गया, उनको बोला कि भैया 40 वड़ा पाव जो पार्सल कर दो। तो जब उनसे बात हो रही थी, वो वड़ा पाव वाले को भी मैंने एक पर्ची दिया, गॉस्पल का पर्ची दिया, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा आदत होता है कभी भी मैं जाता हूं तो ट्रैक्स को लेकर हाथ में रखता हूं और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलने की कोशिश करता हूं। तो उसको मैंने जैसे ही पर्ची आगे दिया, उसने पूछा क्या है इसमें, तो मैंने बोला कि दादा इसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप पढ़कर देखिए, टाइम मिलेगा तो 2 मिनट पढ़ लीजिए, यीशु आपके जीवन को बदलेंगे। तो उन्होंने बोला मैं भी जाता हूं प्रार्थना सभा में, बोला अच्छी बात है, कहां जाते हो, वो जगह का याद नहीं आ रहा नाम, सेवक कौन, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गाड़ी के कोने से, हाथ गाड़ी थी, कोने में से उन्होंने एक तेल का डब्बा निकाल के मुझे दिखाया, मैं इधर जाता हूं, पहचान देखा प्रार्थना में जाने का, सभा का नाम नहीं पता, सेवक का नाम नहीं पता, क्या करने जा रहे नहीं पता, मैं भी प्रार्थना सभा में जाता हूं, उसका चिन्ह क्या है, मेरी जिंदगी बदली वो नहीं, ये तेल का डब्बा उसका चिन्ह है। सोचो कितने दर्द वाली बात है। और ये बात है 25 दिसंबर की, जब हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार बताकर आ रहे थे और रास्ते में ये चीज जब मैंने देखा मुझे बहुत बुरा लगा कि आज जो है मसीहत में ऐसे फॉलोअर्स बहुत हैं और ये फॉलोअर्स के लिए आपको शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आएंगे हजारों में, जब छलनी में छला जाएगा कुछ गिने चुने रह जाएंगे, बाकी 900-950 कहीं और हवा में वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। इसीलिए शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग कलीसिया में आते हैं, शैतान को तब फर्क पड़ेगा जितने आए उसमें से चेले कितने बने। इसीलिए आप उन सभाओं को ढूंढकर मत भागो, उन सेवकों के पास मत भागो जहां पर ज्यादा भीड़ लगती है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि जहां भीड़ लगती है वो गलत प्रचारक ही होगा, मेरा कहने का मतलब है कि आज ज्यादातर लोगों का नजरिया ये हो गया है, ये फर्क को समझे, नहीं तो आपको लगेगा यहां पर भी तो हजारों लोग आए हैं तो क्या यहां भी सब झूठे लोग बैठे हैं, शैतान बहुत चालाक है, उससे भी ज्यादा चालाक आपको बनना है। आमीन। तो यहां पर ये जो फॉलोअर्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के, वो क्या करते हैं, दे लव बेनिफिट्स, उनको अच्छा लगता है कि उनके जीवन में जब कार्य होगा। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सूरज का रोशनी सिर्फ धर्मी लोगों के ऊपर ही आएगा, बराबर नहीं ना, क्या कहा है बाइबल, धर्मी पर भी आएगा, बुरे व्यक्ति पर भी आएगा। बारिश किसके ऊपर बरसेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर जिसने पाप नहीं किया। मतलब हम एक पर्सनलाइज क्लाउड लेके घुमाएंगे हमारे सर पे, एक बादल लेके घूमेंगे, मैं धर्मी हूं उसका पहचान है, मेरे सर के ऊपर एक बादल आ रहा है और वो मुझे भिगा रहा है, राइट, यही है ना।
बाइबल कहती है कि वो सारी चीजें बुरे व्यक्ति को भी मिलेगा और अच्छे व्यक्ति को भी मिलेगा। क्या चंगाई बुरा व्यक्ति को भी मिल सकता है? हाँ। 5,000 लोगों ने रोटी खाई, क्या यीशु मसीह ने यह बोला जो कोई मन फिराकर मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसका जीवन परिवर्तन होगा और अपने आप को क्रूस पे चढ़ा देगा और मेरे ही पीछे चलेगा वही लोग आ गया हो, एक एक रोटी निकालो बाकी सब चलो साइड में चलो, यीशु मसीह ने यह कहा? तो रोटी ढूंढ कर आने वाले, चंगाई ढूंढ कर आने वाले हर किसी को यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, वो आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, आपके गरीबी को वो चाहे तो दूर करेगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा। जैसे मैंने कहा, वो विश्वास में नहीं है, वड़ा पाव वाला है, बोलते कि जब से मैं उधर जाके आया सब अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? मेरा वड़ा पाव का धंधा अच्छा हो गया। ऐसे गवाही बहुत सारे सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसे गवाही बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई ऐसा ठेला वाला रोड पे मिले, वो कहे कि मैं वो प्रार्थना सभा में गया था और वहां पर जो वचन बोला था उससे मेरा मन परिवर्तन हो गया। वड़ा पाव बेचते समय मैं लोगों से थोड़ा सा आटा कम कर देता था, वड़ा में आलू कम कर देता था, मुझे लगा गलत है और मैंने उसको सही कर दिया, यीशु मेरा खुदा है। ऐसे गवाही बहुत कम मिलते हैं। कलीसिया में गवाही का टाइम, मैं पहले दांत दर्द में बहुत परेशान रहती थी, मैं प्रार्थना में आई, इनको इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरा दांत दर्द दूर हो गया, यीशु मसीह की जय। अगला, मैं ना बहुत परेशान थी, मेरे पेट में दर्द होता था और यीशु मसीह से प्रार्थना किया, मेरे पेट दर्द दूर हो गया। अगला गवाही, हम रोड पे गाड़ी चलाते थे तो हमको माइलेज बहुत कम मिलता था, फिर हमने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने हमारा माइलेज 25 कर दिया, यीशु मसीह की जय। पहले हमको पढ़ाई अच्छे से नहीं आती थी, जब हमने प्रार्थना अच्छा किया तो प्रभु ने पढ़ाई अच्छी दी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी गवाही है, ये सारे गवाही में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वो सारे क्राउड हैं जो रोटी और मछली मिलेगा। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि यीशु मसीह के पास जो भी आएगा उसको, अगर परमेश्वर की मर्जी है, ये पॉइंट को कभी नहीं भूलना, अगर परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर खिलाना चाहते हैं, चंगाई करना चाहते हैं, वो करेंगे, लेकिन उसका और चेला बनने का कोई कनेक्शन नहीं है। यीशु मसीह के हाथ से चमत्कार के रूप में आने वाले रोटी को खाने वाला भी यीशु मसीह के लिए खड़ा नहीं हो पाया। तो एक सेवक के द्वारा बोले हुए भविष्यवाणी आपके जीवन में होकर, चंगाई होकर, आपको लगता है कि आप स्वर्ग में यीशु मसीह के पास जाएंगे? जब यीशु मसीह के सामने बैठकर, यीशु मसीह के हाथ से निकली हुई टोकरी के रोटी खाकर उनकी जिंदगी नहीं बदली, क्या हमारा प्रचारक और फेमस पास्टर, फेमस इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट के कहने से आपकी जिंदगी बदलेगी? आप फॉलोवर जरूर बन सकते हैं लेकिन चेला नहीं बन सकते। तो दे लव बेनिफिट्स, चेले लोग जो है, सॉरी फॉलोअर जो है बेनिफिट को एंजॉय करते हैं। सातवां पॉइंट हम देखेंगे, ये फॉलोअर यानी कि अनुयायियों का और एक क्वालिटी क्या होता है। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप सुनते सुनते ऐसे ही ख्यालों में कहीं और चले जाएं। एक बार ऐसे ही प्रचारक, ये बहुत ही पुराना है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार प्रचारक जो है बहुत ही जोरों शोरों से प्रचार कर रहे थे और एक सब लोग सुन रहे थे, लेकिन एक दादी माँ बहुत ही रो रही थी। वो तो ये प्रचारक जब भी वो दादी माँ को देखते थे इनके अंदर जोश आता था और जोश से प्रचार करते थे। प्रार्थना खत्म होने के बाद दादी माँ को जाके पूछा, दादी माँ बहुत रो रहे थे, परमेश्वर ने आपसे बात किया क्या, परमेश्वर ने आपको एहसास दिलाया क्या? तो बोलते कि नहीं पास्टर, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक बकरी घूम गया था और ये बकरी का एक ऐसा दाढ़ी था, जब आप ऐसे ऐसे करके प्रचार कर रहे थे मुझे मेरा बकरी का याद आया, तो सोचकर मैं रोने लग गई कि वो कहाँ गया, किसके घर पे मटन बन गया या मटन फ्राई बन गया, पास्टर उसके लिए प्रार्थना। तो बहुत सारे लोग प्रचार में ऐसे ही हो जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कोई मेरे चेहरे के आधार पर किसी को यूथ डोंट बी अ बूथ फॉर बूथ, जवानों शैतानों के लिए बूथ बूथ मत बन जाना, टेलीफोन बूथ आता ना आपका, जिंदगी को बूथ मत बना देना, बी केयरफुल, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। तो ये जो सातवां जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने देखा फॉलोअर का जो विश्लेषण है वो क्या है, वो खुद के इच्छा के अनुसार अपने जिंदगी को रखेंगे। दूसरा, खुद के लिए शिक्षक चुनेंगे। आप बोलोगे तो खुद के लिए शिक्षक नहीं चुन सकते हैं क्या? उसके बारे में मैंने आपको जवाब दिया, आप शिक्षक चुनिए लेकिन खुद के इच्छा के अनुसार नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, क्राइटेरिया उनके लालसा को सूट करने जैसा। आपको सेवक सुनना है, चुनना है वचन के आधार पर, उसके लिए वचन तो मालूम पड़ना चाहिए ना। तो वो पॉइंट जो है हम चेलों में आएंगे जब हम कवर करेंगे, आशा करता हूं वो कल चले जाएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब हम कवर कर पाएंगे। और फिर हमने देखा कि उसका क्राइटेरिया होता है उसके अभिलाषा के अनुसार चुनना। चौथा, वो लोग जो है वो सुनना चाहते हैं, वो प्रचार करने वाले को वो चुनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया
एक्साइटिंग, जवानों को मजा आता है यूट्यूब पे जाकर ऐसे कलरफुल चीजों को देखने के लिए। पांचवा, वो खुद के लिए एक अथॉरिटी रखना चाहते हैं, वो कहे तो होगा, अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान मसीह में वो भूल जाते हैं। छठा, वो बेनिफिट के लिए आते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मुझे अच्छा लगा, खाकर तृप्त हुए। यीशु मसीह कहते हैं कि सच सच कहता हूं, और कलीसिया में भी आज सच सच चेलों की कमी और फॉलोअर्स की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मुझे खुशी नहीं होती, आप पूछोगे, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार वो चर्च के बारे में देखो, वो सेवकाई के बारे में देखो, लोग भर कर आते, तुमको खुशी नहीं होती है क्या? क्या यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को देखकर ये कहा कि ये सब मेरे चेले हैं? नहीं कहा। यीशु मसीह ने किससे बात की? उन्हीं के चेलों से बात की जो साथ में हैं। तो ये ज्यादा भीड़ को देखकर कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, वही मेरा सातवां पॉइंट है। ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं, उनका माइंड को डाइवर्ट करना बहुत आसान है। और यही प्रॉब्लम गलातिया के कलीसिया को भी थी, इसीलिए पिछले साल के प्रचार में जो मैंने कहा वही चीज मैं आज आपके बीच में दोहराना चाहता हूं। गलातियों की किताब 3 अध्याय वचन पढ़ेंगे ब्रदर, पहला वचन। हे निर्बुद्धि गलातियो, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। बस यहां पर पॉल जो है शॉक हो गए हैं, है ना, ये एकदम सरप्राइज हो गए हैं, क्या हो गया तुमको? वो चौंक कर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर, इंग्लिश में लिखा है हु हैज बीविच्ड यू, यानी कि तुम्हारे पर टोना किसने किया है कि तुम्हारे आंखों के सामने जो घटना हुई है उसको देखकर तुम क्या हो गए? मार्ग भटक गए। तो ये जो फॉलोअर्स होते हैं उनको डाइवर्ट करना, यानी कि उनके माइंड को सच्चाई से हटाना बहुत आसान है। इसीलिए आज शैतान उन्ही लोगों को इस्तेमाल करेगा जिनके अंदर ये खूबी भरकर है। जरा सोच कर देखिए आप किसको सुन रहे हो, जरा सोच कर देखिए आप किसको देख रहे हो, जरा सोच कर देखिए आप किसके पत्रिका को पढ़ रहे हो, किसके किताबों को पढ़ रहे हो, आपके घर पे क्या आ रहा है, वो सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि हर कोई वचन बोलने वाला परमेश्वर की ओर से है, तो शैतान भी आकर आपको एक दिन धोखा देके चले जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। बाइबल का वचन कहता है ना, यीशु मसीह के पास जाकर उसने वचन का खेल खेला, तो क्या लगता है आपको छोड़ देगा वो? क्या आपको लगता है कि आप इतने बड़े विद्वान हैं यीशु मसीह से भी ज्यादा, और इतने पवित्र हैं आप कहेंगे कि शैतान मेरे पास में आ ही नहीं सकता है? आपको पता भी नहीं चलेगा, शैतान कंधे में हाथ डाल के बोलेगा, हाँ शैतान तेरे पास कैसे आ सकता है, हाँ बराबर बोला तू, एक मिनट तू कौन है? ये पहचानने के लिए जो है लोग चूक जाते हैं। तो ये लोग इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं। उनका एक और विश्लेषण मैं आपको बता देता हूं, एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उनके बारे में देखेंगे। एफिसियों की किताब 4:14 वचन हम पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स को आप ध्यान से स्टडी कीजिए, क्योंकि ये स्टडी वाली पॉइंट्स है, मैं प्रचार में आपको बता रहा हूं। अगर एक एक पॉइंट को भी मैं समझाने जाऊं, एक पॉइंट के पीछे आधा घंटा 45 मिनट, तो 10 पॉइंट के पीछे समझ जाओ 5 घंटे का प्रचार सुनना पड़ेगा आपको। सुना दो 5 घंटे का प्रचार, वो देखो उधर से मुंडी हिल से हिल गया, वाह। अगला 8वां पॉइंट उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने मुंडी लाया, रुक जाओ। 7वां पॉइंट पढ़िए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से वो क्या हो जाएंगे, उनके भ्रम की युक्तियों की ओर और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। उछाले जाएंगे और इधर उधर क्या करेंगे, घुमाए जाएंगे। आपने वो बॉल देखा है जो रबर बॉल आता है, उसको ऐसे उछालते हैं, ऐसे फेंकते हैं। बहुत सारे विश्वासियों का जिंदगी वो रबर बॉल है, और वो उनका ओनर कौन है मालूम है? उनका प्रचारक, उनका फेवरेट प्रचारक। वो जिधर फेंकेगा उधर जाके गिरेगा, और जिधर जैसा उछालेगा। अब ये चीज आप बोलोगे कि किसके बारे में बोल रहे हो ब्रदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर एक के बारे में बात नहीं हो रही है, हमारे आत्मिक जीवन में जो हमें घिरे हुए बहुत सारी जो चीजें हैं, वो चीजों में आपको सावधान रहना है। अगर मैं एक के बारे में कह दूंगा, बोल दूंगा कि चलो इसके बारे में कह रहा हूं, लेकिन आत्मिक लड़ाई इतनी आसान नहीं है, आत्मिक लड़ाई उतना सिंपल नहीं है जितना हमको लगता है। आत्मिक लड़ाई बहुत ही भयंकर है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि लोग मसीहत के अंदर आने के बाद इतने चिल कैसे हो जाते हैं, चिल रिलैक्स लाइफ ब्रो, कैसे हो जाते इतना चिल? क्योंकि मसीहत में आने के बाद युद्ध शुरू होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मसीहत में आने के बाद युद्ध खत्म हो जाता है, सांसारिक युद्ध खत्म हो जाएगा, मसीहत में आने के बाद आत्मिक युद्ध शुरू हो जाएगा।
अब ये आत्मिक युद्ध को हम कैसे लड़ते हैं वो हमको देखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो इजीली डाइवर्ट हो जाएंगे। प्रचारक ने कहा कि कैमरा को उस तरफ घुमाओ, हाय बोल दो, क्यों आए हो, अपना क्राउड दिखाने या प्रचार करने? और लोग भी क्या करते हैं, हाय। तमिलनाडु में एक और है, वो लड़की स्टेज पे जाती है, कैमरा लेती है, सेल्फी कैमरा शुरू करती है और ऐसे घुमाती है और बोलती है कि मैं अभी लाइव हूं हमारे लोगों के साथ, हाय बोल दो। लोग हाय बोल रहे हैं उसको। क्या मजाक बना है क्रिश्चियनिटी में, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो चेले नहीं है, वो फॉलोअर है, उनको उस चीज में मजा आ रहा है। यहां पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को जो नहीं सिखाता है, जो अपनी बड़ाई करता है, उसके शिक्षा और उसके बातों में भी लोग फंस जाते हैं और वो कंफ्यूजन में भी नहीं जाते हैं, उनको मजा आता है। क्यों? वो गलत नहीं दिखता। क्यों गलत नहीं दिखता है? क्योंकि पांचवा पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट अब याद रख लीजिए, उन्होंने खुद के लिए ऐसे लोगों को चुना है। वो डर चला गया। पुराने नियम में जब भी परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, लोगों का हालत क्या होता था पता है? कांपते थे, गिड़गिड़ाते थे। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति में इतना बिंदास, स्टेज पे इतना बिंदास, बिल्कुल डर नहीं। कहां गया वो डर परमेश्वर का? क्या हमारा परमेश्वर पुराने नियम में बहुत ही भयंकर था और नए नियम में आकर जॉनी जॉनी यस पापा वो वाले गॉड बन गए क्या? ही इज द सेम रिवेंजफुल गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट और वही गॉड है न्यू टेस्टमेंट में। यीशु मसीह को गलत नजरिए से लोग देख रहे हैं। यीशु मसीह को बहुत ही आज प्रॉब्लम क्या है बताऊं मसीहत में, क्यों फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह को और खुदा को एकदम सॉफ्ट चलता है, वैसा टाइप का गॉड बना दिया। पुराने नियम में नहीं, पुराने नियम का गॉड बहुत भयंकर है, नए नियम का गॉड बहुत ही प्यारा है। बहुत सारे लोगों के अंदर आ गए दिमाग में। आप जरा सोच कर देखिए, हमारा खुदा कल, आज और कभी भी नहीं बदलता है। वो वही परमेश्वर है जिसने क्रोध में पृथ्वी को फाड़कर उन विरोध करने वाले को ढसा दिया था। वो वही परमेश्वर है जो आकाश से अग्नि उतारता है। वो वही परमेश्वर है जो कोरा के जो है घर वाले उनको पनिश किया, उनके तंबू में आग उतरी है ना, वो वही परमेश्वर है। लेकिन वो परमेश्वर के प्रति जो भय डर आज कलीसिया में, आज ये पुलपिट से चली गई, इसीलिए पुलपिट एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बन गया और कलीसिया क्लब और पब बन गई। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, मनुष्य की ये सारी बातों से, चतुर विद्या से, ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों से वो क्या करते हैं, यहां वहां झोंके जाते हैं, इजिली डाइवर्ट हो जाते हैं। फेसबुक पे जाओ तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। कल एक चीज मैंने देखा, उसमें एक यीशु मसीह का फोटो बना है, रियल वाला नहीं, पिक्चर वाला, बाजू में एक शैतान का फोटो, लाल सिंह वाला। उस फोटो के नीचे लिखा है, मेरे बच्चे आमेन टाइप करेंगे। बाजू वाले फोटो में लिखा है, मेरे बच्चे आमेन टाइप नहीं करेंगे और ऊपर कर देंगे। मैंने कमेंट ओपन करके देखा, बहुत सारे लोग आमेन 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 लिखे हुए। आपके व्हाट्सएप पे भी आपको आता होगा, ये वचन को पढ़कर 10 लोगों में बांटिए, आज परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करेगा। ले कॉपी किया, 10 लोगों को मैंने बांट दिया व्हाट्सएप पे। इजी, एकदम आसान हो गया है शैतान को आज लोगों को भरमाने के लिए, क्योंकि वो क्रिश्चियंस तो हैं लेकिन चेले नहीं है, फॉलोअर है। वो फॉलोअर की जिंदगी ऐसी होती है, वो क्या करते हैं, कोई भी शिक्षा से यहां वहां टॉस किए जाते हैं। जब मैंने आपको कहा कि सेवक की परचाई जिन लोगों के ऊपर पड़ेगी उनको आशीष आएगा, कितने लोगों ने भरोसा किया इस बात को, हाथ उठा के बताइए। कितने लोगों ने भरोसा किया? आपने नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया भरोसा इस बात को? मतलब मैंने जो बोला कि सेवक की परछाई लोगों पर गिरते ही आशीष आएगी, ये बात को मैंने बोला तो कितने लोगों ने भरोसा किया कि ऐसा हो सकता है? किसी ने नहीं किया ना, किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको वैसे कन्विंस करने जैसा प्रचार अभी तक हुआ नहीं है। जब आपको वैसा कन्विंस करने जैसा प्रचार हो जाएगा, आप उस बहकावे में चले जाएंगे। पॉइंट को समझिए। अब जरा सोचिए, राकेश पास्टर ने फ्रांसिस ब्रदर को बुलाया है, ये सारे सेवकों को ने बुलाया है, तो मतलब अच्छे को बुलाया रहेगा। अब ये बोल रहे हैं तो चलो, जो भी बोल रहे हैं वो सच हो सकता है, माइंड ऐसे काम करता है। ऐसा भी हो सकता है ये अच्छे हैं, इन्होंने किसी को अच्छा समझ के बुलाया और वो गलत प्रचार कर रहा है, लेकिन आपका सोच ये अच्छे हैं, अच्छे को बुलाया होगा और अच्छा बोला होगा, इसमें फंसने वाले बहुत मसीह हैं। ये फॉलोअर हैं, ये डिसाइपल नहीं है।
डिसाइपल क्या करता है, चेला क्या करता है, वो कल मैं आपको बताऊंगा। तो जो कल नहीं आना चाहते हैं, तो जरा सोच लीजिए आप क्या मिस करने वाले हैं। आप पता तो कर लिए कि फॉलोअर की जिंदगी क्या होती है, अब चेले की जिंदगी क्या है, वो कल जरूर आप देखने के लिए आ सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इन बातों में यहां वहां गलत शिक्षाओं में उठाए फेंके जाते हैं। अब एक छोटा सा और उदाहरण बताता हूं, गवाही देने का पैसा लगता है क्या? नहीं ना। पुणे में एक चर्च है, उनका एक मैगजीन छपता है, उसमें लोगों की गवाही आती है। अगर आपकी गवाही को उस मैगजीन में डालना है, फ्रंट पेज में अलग पैसा, अंदर अलग पैसा, 3,000-4,000 ऐसा पैसा देकर आपको गवाही छपाना है, और गवाही तब तक नहीं छपेगी जब तक आपका गवाही में मसाला नहीं है। मैं एक घोर पापी था, यीशु मसीह ने मुझे जीवित किया, यीशु मसीह ने मुझे नया जिंदगी दिया, मजा नहीं आया। मैं पहले एक ऐसे परिवार में आता था, मैं पहले गुटखा को पानी में मिक्स करके पीता था, एक बार मैंने ऐसे ही पिया। तो ऐसे मसालेदार गवाही सुनने के लिए लोगों की किताब को पढ़ते, इसीलिए मैंने बोला ये लोगों का जिंदगी नहीं बदला, खाली जगह बदला है। दुनिया के लोग ऐसे चुटकुले पेपर में पढ़ते हैं, आज मसीह लोग ऐसे चुटकुले गवाहियों की किताब में पढ़ते हैं। मैं गवाही का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन उनका सोच वैसा बन गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन चीजों में भटक जाते हैं। इसीलिए उनको बोलो कि आप 1,000 रुपया दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? नहीं मानते, राइट? आप लोग नहीं मानते क्योंकि आपको शिक्षा अच्छी मिल रही है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूं। लेकिन आप ही के गांव में, इसी डिस्ट्रिक्ट में, आप नहीं जानते ऐसे कलीसियाओं को? जानते हैं ना आप उन कलीसिया को? जानते हैं जहां पर बल्ब को नीचे फेंकते हैं और बोलते हैं कि बल्ब नहीं टूटता है, परमेश्वर की आत्मा है। मैं घर पे लेट हो गया, परमेश्वर ने मुझे उठाकर मीटिंग में उतार दिया। ऐसे नौटंकी टाइप के प्रचार आप ही के डिस्ट्रिक्ट में सुनाने वाले लोग हैं और सुनने वाले भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स। अब ये मत सोचना कि हम नहीं है तो हम फॉलोअर्स नहीं है, हम डिसाइपल हैं। चांस कर देखिए, 10 में से कहीं ना कहीं हम एक ना रह जाएं। हम और 3 पॉइंट को फटाफट देखेंगे, फिर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। और ये इनकी खूबी, इनका जो और एक पहचान क्या है फॉलोअर्स का, उसी 2 तीमोथी 4:3 में हमने देखा, वो खरा उपदेश को वो क्या नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। खरा उपदेश को वो बिल्कुल सह नहीं पाएंगे। ये पॉइंट के बारे में कल मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, इसीलिए अब इस पॉइंट को मैं वन लाइन में छोड़ रहा हूं। नौवां पॉइंट, ये लोग क्या करते हैं पता है? 8वां पॉइंट का वचन पढ़ लेते हैं, यूहन्ना के किताब 6:66। जो फॉलोअर्स होते हैं वो खरी शिक्षा को सह नहीं पाते हैं। जो लोग सो रहे हैं वो जोर से एक बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हाँ, जागते रहो। शैतान गरजने वाले शेर के समान ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाए। मुझे पता है आप जागे हो, लेकिन यही मैं बात को कह रहा था पिछले साल। हम फ्लो में चले जाते हैं, हम उस लय में चले जाते हैं। हम यहाँ पर गाना सुनने के लिए नहीं आए, लय में जाने के लिए। यहाँ पर चौकन्ना रहकर एक एक शब्द को, मेरे शब्द को सुनिए और उसको जांचिए। यस ब्रदर, पढ़िए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इसमें से बहुत सारे चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए। यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग आए, यीशु मसीह को फॉलो किया और यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद क्या हुआ पता है? वापस पढ़िए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बहुत सारे फिर गए, बलबते भैया नहीं नहीं आपका नहीं चलता, हमको आगे पढ़िए। और उसके बाद उसके साथ न चले। और उसके बाद नहीं चले। क्यों नहीं चले ब्रदर? तो आप पढ़ लीजिए, वहां पर कहा गया है कि उनको जो है यीशु मसीह की शिक्षा कठिन लगी। तो कठिन शिक्षा को सुनकर वो क्या करने लगे, वहां से हटकर चले गए। और तब जाकर यीशु मसीह ने उनके चेलों को पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो उनके चेलों ने कहा कि नहीं नहीं अनंत काल का जीवन तो आपके पास है, हम कहां जाएंगे। तो ये चेलों की एक खूबी है जो हम कल देखने वाले हैं, एक पॉइंट है ये। तो ये लोग जो है खरी शिक्षा को सह नहीं पाएंगे। नौवा हम देखेंगे कि ये लोग फॉलोअर बनना चाहते हैं, लेकिन ये रियल में फॉलोअर नहीं है। जल्दी से हम लूका की किताब 9:57-62 तक पढ़ लेंगे फटाफट। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। अब यहाँ पर चेलों के बारे में बात नहीं की है, यहाँ पर फॉलोअर्स के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग जो है यीशु मसीह के पीछे आकर बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह मैं आज से मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। लोमड़ियों के लिए जो है जगह है,
आकाश के पक्षियों के लिए जगह है, लेकिन मनुष्य का पुत्र मेरे लिए जगह नहीं है। भैया तुम्हारे हृदय में लोमड़ी जैसे बातें छुपाने के लिए तुम्हारे हृदय में जगह है, तुम्हारी सोच पक्षियों जैसे उड़ने वाली सोच जरूर है, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए तुम्हारे जीवन में जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, अब वो बोलता है कि उसको यीशु मसीह के पीछे आना चाहता था। यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, चलो मेरे पीछे चलो, फॉलोअर बन जाओ मेरे। उसने कहा हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। मैं पहला थोड़ा अपना काम थोड़ा सा बचा है, उस काम को क्या कर लेता हूं करके आ जाता हूं। तो चेले में और फॉलोअर में क्या फर्क है? चेला जब यीशु मसीह ने मत्तई को जाके, कल का पॉइंट है, थोड़ा आपको हाईलाइट दे देता हूं। यीशु मसीह ने जब मत्तई को पूछा, यीशु मसीह ने मत्तई को बोला कि चलो मेरे पीछे, मत्ती ने क्या किया, क्या किया? यीशु मसीह, एक मिनट, मेरे पास चिल्लर जितना, उसको गिन कर थोड़ा मैं अपना डब्बे में जमा करके आता हूं, ऐसा बोला क्या? ऐसे उठ के ऐसे चला गया, चला गया। और यहां पर यीशु मसीह एक को वापस से बोल रहे हैं चलो मेरे पीछे। वो क्या बोल रहा है, क्या बोला उसने, क्या बोला ब्रदर उसने? पहला मैं घर पे जाता हूं, पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। पहले जाकर मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूं, मतलब मरा हुआ बाप घर पे है और इधर आके प्रचार सुन रहा है। क्या विश्वास है ब्रदर, वाह! ऐसे बहुत सारे लोगों का विश्वास है, ब्रदर बड़ा प्रॉब्लम में भी मैं परमेश्वर के पास आया हूं। आते हैं फॉलोअर्स, कभी कभी चेले जैसे दिखाई देते हैं, वो प्रॉब्लम में भी परमेश्वर के चरणों में आते हैं, लेकिन जब बात आती है पूरी तरह यीशु के पीछे चलने के लिए, उनको अपना घर का काम याद आ जाता है। जरा देखिए, आप में से कोई ऐसा कोई नहीं है जब यीशु मसीह के पास चलने के लिए कुछ याद आ जाता है? इसके बारे में कल और थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, हाँ, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुए को अपना मुर्दा गाड़ने दो भैया, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आगे एक और ने भी कहा, एक और ने कहा, अब देखो ये फॉलोअर का लाइन लग गया है। यीशु, मैं तेरे पीछे आऊंगा, यीशु के पीछे चलूंगा, डांस करेंगे, अपना टाइम आएगा, यीशु के पीछे जाएंगे, यीशु के पीछे मैं दौड़ूंगा। कितने लोग यीशु के पीछे आएंगे? हालेलुया बोलिए, वो मीटिंग में हालेलुया होगा, सब कुछ होगा। लेकिन यीशु मसीह के पास जाकर जब वो फॉलो करने की बात आती है, एक और ने आया और उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा, नो प्रॉब्लम, मैं आऊंगा आपके पीछे, मैं आपके पीछे आने के लिए रेडी हूं। मैंने ना बोला है क्या? कभी नहीं बोला है ना, मैं आऊंगा आपके पीछे यीशु मसीह, मैं आऊंगा। पहले मेरे पापा को थोड़ा, यार क्या मम्मा, क्या यार, थोड़ा हमारा भी समझो, हमारा भी लाइफ है, हमारा भी वाइफ है, हमारा भी बच्चा है, हम भी। एक और आया और यीशु मसीह के पीछे आना चाहता था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड आगे, पर ए प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने देगी, अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। एक मिनट, घर पे जाओ, पप्पी जप्पी कर लूं, थोड़ा हाय हेलो कर लूं, सलाम नमस्ते कर लूं, और मैं पीछे वापस से आ जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तो ये जो फॉलोअर्स की जिंदगी यही होती है, चेले ऐसे नहीं होते। अगर चेलों के बारे में देखना है, थोड़ा हिंट दे रहा हूं कल के प्रचार का, यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना, जब पत्रस को उसने बुलाया, जब मत्तई को बुलाया, उनका एटीट्यूड देखो और इनका एटीट्यूड देखो। कुछ लोगों को समझ आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा कल पक्का आइए और सुनकर जाइए, और जिनको समझ में आ रहा है वो लोग भी कल आइए, क्योंकि ये मत सोचना कि मेरे को समझ में आ गया। तो ये फॉलोअर्स हैं, आना चाहते हैं यीशु के पीछे, यीशु के पास ही हैं, यीशु के साथ ही खड़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीही हैं, यीशु के साथ ही खड़े हैं, भवन में ही खड़े हैं, लेकिन जब यीशु मसीह उनको चेला बनाने के लिए बुलाता है, तब उनको पीछे जाना होता है। दूसरे ने भी वही कहा, आगे पढ़िए ब्रदर, 62 तक पढ़िए। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखता है पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो बहुत सारे मसीह जो क्रिश्चियंस बनते हैं, वो चेले कब नहीं बनते हैं? जब वो हल को पकड़ते हैं और हल को छोड़ते हैं। तो हल को पकड़ने के उसी क्षण किसी को ये नहीं सोचना है कि मैं चेला बन गया। आप में से कितने लोग चेले हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। क्योंकि चेला कोई पोस्ट नहीं है कि आपको ऐसा स्टिकर लगा दिया, आज से तू चेला जा, ऐसा टिक्का लगा के नहीं बेचते कि तू चेला है आज से, नहीं। चेला एक प्रोसेस है, चेला एक क्रिया है, चेला गिरता है, उठता है, उसके बारे में हम कल देखेंगे। लेकिन एक फॉलोअर का काम क्या होता है? मत्ती 15:8 वचन में लिखा है, ये लोग मुंह से सिर्फ मेरा महिमा करते हैं, लेकिन इनका दिल मेरे से बहुत दूर है।
बहुत सारे क्रिश्चियंस का मुंह कहता है तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, लेकिन रियल जिंदगी देखो किसके लिए जी रहे मालूम पड़ेगा। जवानों के बीच में कल बहुत बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और क्या हिम्मत होती है, वाह रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड, वाह फेसबुक में रिलेशनशिप स्टेटस में कॉम्प्लिकेटेड मतलब आप ठीक है कल बात करते हैं हम लोग। तो ये लोग जो है सिर्फ जुबान से यीशु मसीह की महिमा करते हैं लेकिन इनका दिल जो है यीशु मसीह से किलोमीटर और मीलों और ग्रहों की दूरी के समान दूर है, उनका रियल लाइफ उनके शब्द से मैच नहीं करता है। मुंह से बोलता है मैं फॉलो करना चाहता हूं लेकिन दिल उसका फॉलो करने का नहीं है। मुंह से बोलता है कि मैं आना चाहता हूं लेकिन दिल में क्या है, घर के लिए मुझे जाकर सब सेटिंग करके सब सेट करके मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। तो आप ये मत सोचना कि ब्रदर तो क्या घर बार छोड़ के आ जाएंगे, इसको जानने के लिए कल आइए। हालेलुया। तो यहां पर ये नौवा पॉइंट है, वो वॉन्नबी फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, दे जस्ट गिव लिप सर्विस एंड दे से दे प्रोक्लेम दे क्लेम टू बी क्रिश्चियंस बट इन रियलिटी दे आर नॉट क्रिश्चियंस। इसलिए मैंने कहा उनका सिर्फ जगह बदला है, जिंदगी अभी तक वही है। कुछ मसीहों को देखिए, वो पहले न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते थे, वो पढ़ते थे कि मेरा वृक्षक राशि है, मेरा सिंह राशि है, अभी भी पढ़ते हैं। बाइबल का वचन कितना क्लियर है, फिर भी आज जानना है मुझे न्यूज़पेपर में आज मेरे साथ क्या होगा वो पढ़ना है। कुछ मसीह लोग उसको नहीं करते हैं लेकिन कैलेंडर में वचन पढ़ेंगे, 1 तारीख को ये वाला वचन, क्यों 1 तारीख को वचन का अध्याय नहीं पढ़ सकते, नहीं आज प्रभु मेरे लिए क्या बोल रहा है, 2 तारीख को प्रभु ने कहा मैं तेरे आगे जाऊंगा, मतलब 3 तारीख को तुम्हारे पीछे जाएंगे क्या, तुम्हारे आगे नहीं जाएंगे। खाली जगह बदल गया है और काम सेम टू सेम, इसलिए कहा वहां नाचा यहां पर भी नाचा, वहां पर न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि आज मेरे लाइफ में क्या होगा, यहां पर वचन को आधा अधूरा उंगली निकाल कर बीच में रखना, या फिर जब प्रतिज्ञा वचन दी जाती है तभी तो मेरे को शौक लगता है यार। मैं देख एक बार मैं ऐसे खड़ा था देख रहा था प्रतिज्ञा वचन दी जा रही है, यहां पर दिया जाता प्रतिज्ञा वचन मास्टर नए साल में एक एक को इंडिविजुअल, बहुत बढ़िया है अच्छा लगा सुनकर मुझे। जब प्रतिज्ञा वचन दिया जाता है मैं बोलता हूं कि क्या बढ़िया काम हो रहा है, प्रतिज्ञा सब है सबके लिए जरूरी है, लेकिन यहां पर पॉइंट देखिए प्रतिज्ञा का वचन दिया जा रहा है, लोग आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने ये हो रहा है, लोग आ रहे हैं आंख बंद कर रहे हैं प्लेट में हाथ घुमा रहे हैं और हाथ में एक आया, एक सिस्टर ने निकाला देखा अच्छा नहीं लगा वचन को रखे फिर घुमाई और फिर दूसरा ली अच्छा लगा, क्या प्रतिज्ञा ऐसा मिलता है आपको। तो जिंदगी नहीं बदली है खाली जगह बदल गया है, पहले सोरठ खेलते थे यहां पर आकर नया सोरठ खेल रहे हैं। सोरठ पता है ना आपको, दुकान में जाकर वो लॉटरी खरोचते हैं, अब ये 5 रुपए के टिकट में मुझे क्या मिलेगा, अब 2020 में मेरे लिए क्या होगा, ये 2020 में ये पूरा आपके लिए। एक वचन को लेकर क्या जिंदगी बना रहे हो, परमेश्वर ने आपको पूरा बाइबल दिया है, चेले की जिंदगी कैसे होती है वो कल देखेंगे, वो एक चीज को लेकर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कुछ लोगों को बुरा लगा पर वचन का परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। तो लिप सर्विस उनके जीवन में बदलावट नहीं आती है, और लास्ट पॉइंट देखकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उनके जीवन में एक दबाव नहीं होता है। और ये पॉइंट जब भी मैं कहता हूं मुझे बहुत दर्द के साथ कहना पड़ता है, और ये पॉइंट के बिना मेरा कोई भी प्रचार अधूरा रहेगा, कि फॉलोअर वो होता है जो कभी भी परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार के द्वारा बढ़ाने की इच्छा नहीं रखता है। वो कलीसिया के कामों के लिए पैसा देगा, अपने व्यापार में से पैसा देगा, एक ब्रदर को मैं जानता हूं, 2 ब्रदर को जानता हूं मैं, साल में पूरे साल भर चर्च में नहीं आएंगे लेकिन एक बार आएंगे क्रिसमस के टाइम पे और 5,000-10,000 उस सेवक के हाथ में पकड़ा के चले जाएंगे। मैंने उस ब्रदर को पकड़ा, मैंने बोला आप ऐसा क्या काम कर रहे हो, आप वो चर्च में तो जाते नहीं है, आप कोई और चर्च में जाते हो, फिर वो चर्च में जाकर साल में एक बार आकर आप उनको पैसा देते हो, गलत बात नहीं है दीजिए लेकिन साल में एक बार क्यों। तो उन्होंने मुझे जो एक्सप्लेनेशन दिया ना वो सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि देखिए ब्रदर, अब हम पहले यहां पर आते थे तो हमारा मेन कलीसिया यही है, अब हम कहीं जा रहे हैं तो प्यार तो नहीं टूटेगा ना। मुझे सुनकर बड़ा मजा आया, अरे वाह क्या प्यार है। तो कैसा है ना देखिए, कभी कभी हमारे दुकान में गणपति के लिए भी मांगने आ देते, उनको भी दे देता हूं, वहां पर जब मुसलमानों का कोई खिचड़ा बनना होता है वो भी मांगते, उनको भी दे देता हूं, जब महाशिवरात्रि आती है वो टाइम पे मांगते वो टाइम पे भी दे देता हूं। तो अपना ही तो है वो, क्या है आप यहां पर नहीं आते तो क्या, वो हम दे देंगे, मतलब इधर थोड़ा ये तेरा ले ले ये तेरा ले ले ये। तो ये फॉलोअर्स की जिंदगी क्या होती है ना, वो सब काम करेंगे कलीसिया में, वो स्पीकर उठा के रखेंगे,
वो म्यूजिक बजा लेंगे, जो भाई को, जो भाई यहाँ पर म्यूजिक बजा रहे हैं, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर कल नहीं आएंगे, फिर मुझे बजाना पड़ेगा। यहाँ पर म्यूजिक बजाएंगे, यहाँ पर माइक सेटिंग करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, बैनर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार नहीं बताएंगे। ब्रदर सिस्टर, यू आर जस्ट अ फॉलोअर, यू आर नॉट अ डिसाइपल। आप कोई भी काम कलीसिया में कर लो, लेकिन आप बाहर जाकर लोगों को यीशु के बारे में नहीं बोलते हो, सुसमाचार नहीं बांट रहे हो, आप फॉलोअर हैं, आप चेले नहीं हैं। आपका हर काम को प्रभु आदर करेगा, लेकिन वो काम परमेश्वर की नजरों में उतना बहुमूल्य नहीं है जितना आप बाहर जाकर लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार को बोलते हो। यहां पर बैठे हुए कितने लोग हैं, क्या 100% लोग कह सकते हैं कि हाँ ब्रदर, मैं जब भी जाता हूं सड़क पे, काम में, जहां पर भी जाता हूं, मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता हूं। फॉलोअर वो कर नहीं पाता है, क्यों? टाइम नहीं है। हमारा 9 to 6 का जॉब है ब्रदर, कॉलेज जाती हूं ब्रदर, कॉलेज जाता हूं ब्रदर, टाइम नहीं मिलता है, इतना पढ़ाई है, इतना मालिक चिल्लाता है, गाड़ी चलाना होता है, किधर मौका मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरे घर पे बच्चों को संभालना होता है। इवेंजलिज्म में वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप अभी तक इवेंजलिज्म में नहीं है, अभी तक आप चेले नहीं बने हैं, क्योंकि 28:19 क्या कहता है, तुम जाकर सभी जाति के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। चेला जब खुद वो चेला रहेगा तब जाकर वो चेला बना सकता है। जरा मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह ने ये आज्ञा किसको दी थी, चेलों को दी थी या और खड़े हुए सबको दी थी? चेलों को दी थी। तो ये आज्ञा को वही पूरा कर सकता है जो चेला बनता है। जो चेला नहीं है वो किसी को चेला नहीं बनाएगा, जो फॉलोअर है एक और फॉलोअर बनाएगा। मैं इधर गई थी, मैं इधर गया था, मुझे फायदा हो गया, तू भी हा, वो भी फायदे के लिए आएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं सच सच तुमसे कहता हूं, तुम खाकर तृप्त हुए इसीलिए मेरे पास आए, तुम्हारे मेरे चिन्ह चमत्कार और महान कार्य को देखकर नहीं, क्योंकि फॉलोअर्स होते हैं वो। जरा सोच कर देखिए, आज इस रात के समय में यही बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरा पूरा मैसेज का खाली 50% कंप्लीट हुआ है आज के लिए जो निकाला, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जैसे चलाई वैसे हम चलेंगे, और कल हम बचे हुए चीजों को देखेंगे कि जाकर चेला बनाओ। तो चेला कैसे बनता है, चेला की पहचान क्या है, तो चेला का पहचान क्या है वो तो कल हम देखेंगे, लेकिन चेला क्या नहीं है वो आज आपने जान लिया। चेला क्या नहीं है, उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है, वो परमेश्वर की इच्छा को आगे रखता है। चेला जो है खुद के चाहत को सेटिस्फाई करने वाला प्रचारक को नहीं चुनेगा। चेला क्या नहीं करेगा, चेला वो सारी चीजों पर ज्यादा कान नहीं लगेगा जिसमें मजा आता है, क्योंकि अभी मजा आएगा फिर बाद में जो है वो परमेश्वर से आपको दूर लेकर जाएगा। चेला वो नहीं करेगा कि कोई मेरे लिए हेड बन जाए या फिर उसके कहने पर मैं सड़क पर उतरकर आंदोलन करूंगा और चिल्लाऊंगा और लोगों के विरोध जाऊंगा, या फिर अपने लिए सेलिब्रिटी वो नहीं चुनेंगे जो स्टेज पे खड़े होकर कैमरा को देखकर हाय बोले और स्टेज पे खड़े होकर शहरों के नाम को बोल बोलकर बेचे। वैसे लोगों को दूर रखेंगे, और चेले इमोशनल होंगे लेकिन साथ साथ इमोशन के रैशनल भी होंगे। इमोशनल वो क्या करेगा, क्या बोला उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, सॉरी क्यों बोला उसके ऊपर वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, लेकिन क्या बोला उसके ऊपर चेला रिएक्ट करेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हालेलुया। कितने लोगों को समझ नहीं आया, आएगा तो भी थोड़ी ना हम बोलने वाले हैं। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो लोग समझते हैं आप उनको अच्छे से समझाइए, ये चेले की एक खूबी होती है। वो मेरे से बात नहीं करती, हट, मैं नहीं बात करूंगी, उसने लास्ट टाइम मेरे को ऐसा बोला, नहीं बात करूंगा, ये चेले की खूबी नहीं है, ये फॉलोअर ऐसा करते हैं। तो ये जो चेले क्या नहीं होते हैं, वो बेनिफिट के लिए, फायदा के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। जैसे मैंने पिछले साल कहा, आजादी मिले या ना मिले, छुटकारा मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, मुझे आग के भट्टी से यीशु बाहर निकाले या निकाले, वो शेर मेरे सामने गोल गोल घूम रहे, वो मुझे फाड़ का या ना का, मैं तो यहोवा का धन्यवाद करते रहूंगा, ये एक चेले की जिंदगी है। और सातवां चेला वो नहीं है जो ऐसे बहकाने वाली शिक्षा, बहकाने वाले चीजों से यहां वहां टहले, यहां वहां गिरे और उछाले जाए। आठवां चेला वो नहीं है जो खरा शिक्षा को देखकर दूर भागे, कल ये पॉइंट को हम गहराई से देखेंगे। नौवां चेला वो नहीं है जो मुंह से कुछ कहे और रियल में कुछ हो, जैसे हमने लूका के किताब 9:57-62 में देखा। और चेला वो नहीं है जिसके अंदर सुसमाचार के प्रति दर्द दबाव नहीं है। यहां पर कितने सारे, मैं वापस से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप ये मंडप बांध कर बैठे हैं, यहां पर आप दरी बिछा कर बैठे हैं, ये किसी मिशनरी का खून बहा है, यहां पर किसी मिशनरी का जिंदगी यहां पर बीज के समान बोया गया है, उसको इंसल्ट में मत बदलना।
तो आप देखिए, आप चेले हैं या फॉलोवर हैं? चेले क्या है वो कल देखेंगे, लेकिन फॉलोवर तो नहीं है। अगर ये 10 पॉइंट में से कहीं ना कहीं आप एक हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, प्रार्थना कीजिए और विनती कीजिए कि प्रभु मुझे आप फॉलोअर मत लेने दीजिए, मुझे आप चेला बनाइए प्रभु, मेक मी योर डिसाइपल। क्योंकि चेलों के साथ क्या क्या परमेश्वर करता है, उनकी जिंदगी कैसी है, कल जब आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहां पर प्रचार करने वाला मैं सिर्फ माइक को पकड़कर आपको बाइबल का और किताबों का खाली पढ़कर ज्ञान देने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे जिंदगी में जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं में गुजरते हुए, उन चीजों से गुजरते हुए जो है, मैं आपके साथ ये बातों को कह रहा हूं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, फॉलोअर और डिसाइपल। हम भी एक समय में फॉलोअर थे, मैं भी एक समय में फॉलोअर था। ट्रेडिशनली मम्मी पापा क्रिश्चियन, तो चर्च में जाना है साल में एक बार क्रिसमस में। डायसन ब्रदर भी एक फॉलोअर ही थे, डायसन ब्रदर भी फॉलोअर। कैसा फॉलो करते थे? बस आते थे, बैठते थे, ढोल बजाते थे चर्च पे, लेकिन जीवन में वो डिसाइपलशिप नहीं आई थी। हम भी जाते थे कलीसिया में, बैठते थे, संडे स्कूल में सबसे आगे था। ये जो बाइबल देख रहे हैं आप, ये बाइबल मुझे 2006 में दिया गया था, जब मैं संडे स्कूल से प्रमोट होकर यूथ मीटिंग में गया। तो आप वो जिस कलीसिया में मैं जाता था, वहां पर एक प्रथा थी कि जब बच्चे संडे क्लास से यूथ में जाते, उनको बाइबल गिफ्ट करना। ये 2006 का गिफ्ट में मिला वो बाइबल। ये बाइबल उस टाइम से था मेरे हाथ में, लेकिन जिंदगी में बदलावट नहीं आई। सो कीपिंग अ बाइबल, बाइबल को पढ़ना, बाइबल को हाथ में रखना का गारंटी नहीं है कि आप चेले बन गए। जब ये जीवन में उतर कर काम करती है, आप चेला बनते हैं। बहुत सारे लोग बुलाए गए थे, बहुत सारे, लेकिन जो चुने गए हैं वो चेले हैं। कौन है आप? प्रार्थना करेंगे।